गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन, जो कि संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, एक मंझे हुए राजनेता की तरह पेश आते हैं। वैसे तो रवि किशन भोजपुरी और बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में काम कर चुके हैं और राजनीति में भी रवि किशन को ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर जिस तरह से रवि किशन विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हैं, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि वो राजनीति में नए हैं और फिल्मी जगत से आते हैं। समय समय पर रवि किशन ने खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित किया है। यूं तो फिल्मी जगत से राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। तमाम फिल्मी कलाकार राजनीति में आए और कुछ समय बाद ही राजनीति छोड़कर वापस लौट गए। जिस तरह से रवि किशन ने न केवल अपने आप को राजनीति में साबित किया है, उससे लगता नहीं कि राजनीति क्षेत्र में वो नए हैं। चाहे संसद के अंदर की बात हो या संसद के बाहर की, रवि किशन दोनों जगह ही बहुत एक्टिव नजर आते हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस की डेटा के अनुसार रवि किशन लोकसभा में बहुत एक्टिव नजर आते हैं। 90 दिनों में से रवि किशन सदन में 77 दिन उपस्थित रहे हैं। उनकी रैंकिंग 16वें स्थान पर है। वहीं सवाल पूछने के मामले में भी रवि किशन बाकी सांसदों के मुकाबले काफी आगे दिखते हैं। 375 सवालों में से रवि किशन ने लोकसभा में 144 सवाल पूछे हैं, जिनमें भारतीय पोषण कृषि कोष, आयुष दवाइयों की निगरानी, वन अग्नि की घटना, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, पेयजल समस्या, भूजल की कमी आदि सवाल शामिल हैं। उनकी रैंकिंग 24वें स्थान पर है। वहीं लोकसभा में हुई डिबेट्स में भाग लेने की बात करें तो रवि किशन ने 36 लोकसभा डिबेट्स में भाग ली है। वहीं लोकसभा डिबेट्स में रवि किशन की रैंकिंग 31वें स्थान पर है। अगर बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो रवि किशन इस मामले में भी काफी आगे नजर आते हैं। रवि किशन ने अभी तक 4 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए हैं, जिनमें संविधान संशोधन विधेयक 2019, 8वीं अनुसूची का संशोधन, गोवध विधेयक 2019 व प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 1 का संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 44 का प्रवेश आदि प्राइवेट मेंबर बिल रवि किशन द्वारा पेश किए गए हैं। रवि किशन की रैंकिंग 3रे स्थान पर है। वहीं एमपी लेड की बात करें तो रवि किशन की ओर से एमपी लेड खर्च ही नहीं किया गया। अगर बात करें रवि किशन के राजनीतिक जीवन की, तो रवि किशन ने 2014 में पहली बार राजनीति में कदम रखा और जौनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें रवि किशन बुरी तरह पराजित हुए। यहाँ तक कि रवि किशन को जमानत भी नहीं बच सकी थी। रवि किशन को महज 42,769 वोट ही मिले, जिसके बाद रवि किशन ने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन कुछ 4 घंटों खड़े रहने तक सब कुछ सहा है। रवि किशन ये भी बताते हैं कि मैंने शुरुआती 12 से 14 फिल्में बिना पैसे लिए ही कर डाली थी। रवि किशन बताते हैं कि तब विकल्प काफी कम थे और आपको काम मिल सकता था या पैसा। रवि किशन का असली नाम रविंद्रनाथ शुक्ला है। कभी पेपर बेचकर और कभी वीडियो कैसेट किराए का काम करने वाले रवि किशन को बचपन से ही फिल्मों का काफी शौक था।